पाताल लोक से लाने के लिए आज बलि को अपना भाई मान ली है, राखी बांधी है और उसी दिन से रक्षा बंधन का पर्व जो है हम लोग मनाते आ रहे हैं। भाई बहन का अटूट रिश्ता होता है। बलि कहता है बहन राधे, जो भी वस्तु समझ में आए उसे तो रख लेना। लक्ष्मी जी जाकर के इधर उधर देखती है, चारों तरफ घूम लेती है और खाली हाथ आ जाती है और बलि के पास खड़ी हो जाती है। बलि ने पूछा, क्यों बहन पाताल अंदर कोई सामान पसंद नहीं आया? तो लक्ष्मी जी कहती है, भैया पाताल का कोई सामान मुझको समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। जो दरवाजे पर जो छड़ी लेकर के जो खड़ा हुआ है जो बालक, वही मुझको पसंद आया है। तुम कहो तो मैं उसे ले जाऊं, तुम कहो तो मैं उसे ले जाऊं। बलि जान जाता है, बलि समझ जाता है, मैं उस छलिए को तो जानता हूँ जिन्होंने तीन पग में मेरा सर्वस्व जो है छीन लिया। लेकिन आज मुझे ये भी पता चल गया, जैसे वो छलिया है वैसे उतनी उसकी पत्नी भी है, जिसको मैंने अपना सब कुछ दे करके अपना चौकीदार बनाया और उसकी पत्नी आज मुझे अपना भाई बना करके उसे ले जा रही है। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी जी ठाकुर जी को ले जा रही है। ठाकुर जी लौट लौट करके देख रहे हैं, पलट पलट करके देख रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, लक्ष्मी तुम मेरे और भक्त के बीच में क्यों आई? मेरे और भक्त के बीच में क्यों आई? मैंने छल किया, उसने भरोसा किया, उसने विश्वास किया, मेरा भी फर्ज था कि उसका कर्म चुकाता, चौकीदारी करने का मेरा मन था लक्ष्मी। लेकिन तुमने आज भक्त के बीच में आकर के मुझे विवश कर दिया। और लक्ष्मी जी कहती है, चलो 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 चलो, हंसते हुए चलो, मैं आ गई तो बज गए, ये तो जीवन भर यही खड़े खड़े चौकीदारी का काम तुमको करना पड़ता। जागते रहो प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान की लीला को यहीं पर प्रणाम करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन सात दिवस में मरने वाला जो परीक्षित है, आज उस पर राधे जी की कृपा बरस रही है। सुखदेव जी कहते हैं, जिन्होंने राधे जी का नाम लिया, जिन्होंने राधा जी का नाम लिया, श्री राधे कहा, उसका नैया जो है भव सागर से पार हो जाता है। और कहते हैं, राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे।